press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं राजेश तनवर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है दिल्ली की हर खबर आप तक। आज हम बात करेंगे दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बारे में। कल यानी 1 जून के दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में कोरोना के टोटल मामले 20,834 हुए हैं। उनमें से कल ही 990 लोग संक्रमित मिले हैं और जो टोटल केस 20,834 हुए हैं उनमें से 8,746 लोग ठीक हो चुके हैं या फिर कहे तो डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं और कल की ही तारीख में 268 लोग ठीक हुए। और अब दिल्ली में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 523 पहुंच गई है और कल ही की तारीख में 12 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कोरोना के टोटल मामले 20,834 कल तक यानी 1 जून तक 20,834 हुए हैं। आज का बुलेटिन अभी आना बाकी है। इनमें से जो एक्टिव केस हैं वो 11,565 हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है या फिर घर में सेल्फ क्वारंटाइन हो रखे हैं। और वहीं दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 204 हो गई है। अगर हम बात करें सेंट्रल दिल्ली की तो वहाँ 10 जोन हो गए हैं। इसी तरह ईस्ट दिल्ली में 16, नई दिल्ली में 13, नॉर्थ दिल्ली में 31, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 5, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 15, शाहदरा में 10, साउथ दिल्ली में 19, साउथ ईस्ट दिल्ली में 27, साउथ वेस्ट दिल्ली में 31 और वेस्ट दिल्ली में 27 कंटेनमेंट जोन की संख्या हो गई है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही अपने दिल्ली के जो लगे जितने भी बॉर्डर हैं उन सबको सील कर दिया है और उसके बाद से विपक्षी दलों के वो निशाने पर आ गए हैं। विपक्षी दलों ने केजरीवाल सरकार को इस मामले को लेकर कटघरे में खड़ा भी कर दिया है। तो ये था आज का दिल्ली के कोरोना को लेकर हेल्थ बुलेटिन। दिल्ली की सभी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप दिल्ली दस्तक को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।